हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 8 मोबाइल फ़ोन के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस, इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक न्यू अपडेट आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अपडेट के अंदर आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और आप लोगों को इसको किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करते ही आप लोगों को ऊपर साइड में सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। सर्च बॉक्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, देन आप लोग यहाँ पर टाइप करना है अपडेट। जी हाँ, आप अपडेट टाइप करेंगे, अपडेट टाइप करते हैं आप लोग नीचे साइड में देख सकते हो सिस्टम अपडेट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इसके ऊपर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट दिखाई दे चुका है। आप लोगों को इसके ऊपर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिस्टम अपडेट अवेलेबल MIUI V14.0.14.0 कुछ इस तरह से इसका नाम होता है। और आप लोग देख सकते हो सिस्टम अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू अप्रैल 2024 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी कुछ इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद देख सकते हो अपडेट साइज देख सकते हो 101 MB का यहाँ पर अपडेट है, काफ़ी लाइट अपडेट है। तो आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको ज़रूर से करना है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले अपडेट होते हैं जिससे आप लोगों के मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चलिए यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों के यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप लोग देख सकते हो दो ऑप्शन आ गए हैं, इनके अंदर से आप लोगों को यूज़ मोबाइल इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज चलेंगी, तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे वेट करना है जब तक कि ये जो बार है वो कंप्लीट यहाँ पे फिलअप न हो जाए, तब तक आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बार है वो कंप्लीट यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलिंग अपडेट यहाँ पे एक बार फिर से चलता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। एंड देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट फिलअप हो चुका है। एंड देन आप लोगों को कुछ इस तरह का ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रिबूट नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन है वो अभी स्विच ऑफ हो चुका है। अभी कुछ देर बाद में यहाँ पे फिर से ऑन होगा। आप लोगों को किसी बटन को प्रेस नहीं करना है जब तक कि आप लोगों का मोबाइल फ़ोन है वो ब्लैक स्क्रीन से वाइट स्क्रीन न हो जाए, या फिर आप लोगों से पासपोर्ट न मांगे, तब तक आप लोगों को किसी बटन को प्रेस नहीं करना है। ये प्रोसेस है वो 2 से 3 मिनट तक चलेगी, तो आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। देख सकते हो यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अप टू डेट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो गाइज, आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन Redmi 8 को कुछ इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना था। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक